नमस्कार दोस्तों, गुरु टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप ये जो ASUS का मदरबोर्ड है उसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये ASUS का लेटेस्ट मदरबोर्ड है WSX299 Pro SE। ये जो मदरबोर्ड है मल्टी ग्राफिक सपोर्टेड मदरबोर्ड है। इसमें आप तीन तीन ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो। एक हैवी गेमिंग मशीन बोल सकते हो इस मदरबोर्ड के साथ हम बना सकते हैं। ये मदरबोर्ड Core i9 विंडोज 11 के साथ रेडी है। एक बेस्ट मदरबोर्ड बोल सकते हैं, बेस्ट सेलिंग मदरबोर्ड बोल सकते हैं, ट्रस्टेड बोल सकते हो। ये ASUS का एक एवरेज सक्सेसफुल मदरबोर्ड बोल सकते हो। अगर जो हम इसकी प्राइस की बात करें तो थोड़ा सा कॉस्टली होगा। आप यहाँ पे प्राइस इसकी देख सकते हो। ये रिलीजिंग डेट है इसकी 2021 है और थोड़ा सा कॉस्टली होगा। बाकी एक गेमिंग मशीन के लिए हमें जो लगता है वो सारी चीज़ें इस मदरबोर्ड में आपको मिलने वाली हैं। सो इसकी प्राइस की बात करें अगर जो हम, तो इसका प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो 74,000 का मदरबोर्ड है। सिर्फ ये 74,000 का मदरबोर्ड है। तो आप देख सकते हो एक हैवी गेमिंग मशीन के लिए ये सारी चीज़ें आपको। अब अच्छा, ये बॉक्स देखिए, ये बॉक्स इस टाइप से इन्होंने दिया हुआ है इसका। तो इसको बिना देरी किए अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। कुछ इस टाइप से बॉक्स इन्होंने पैकिंग करके दी हुई है। और इसका WSX299 Pro SE का मदरबोर्ड है। तो इस बॉक्स में भी आपको ASUS की तरफ से क्या क्या मिलता है वो सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। आप अगर जो लेने के सोच रहे हो ये मदरबोर्ड, तो आप इसमें देख सकते हो क्या क्या मिल रहा है। ये SATA मिलते हैं जो कि 6 केबल हैं, मतलब दो दो का एक पंच है इसमें, दो एक पंच में दो आते हैं, मतलब तीन हो गए, तीन ये हो गए। और ये USB का एक्स्ट्रा का जो आप लगाना चाहते हो तो बैक एंड में, तो ये USB के लिए हो गया। एंड सेकंड चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो मदरबोर्ड के उसमें। और अगर जो आप अगर नए हैं तो ये प्रॉपर आप एक बार अगर रीड करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। ये मदरबोर्ड का प्रॉपर इंस्टॉलेशन का सारी चीज़ें कैसे इंस्टॉल करनी है, क्या करना है, सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। और ये प्लेट मिलती है जैसे हर एक मदरबोर्ड में आती है, वैसे एक ठीक ठाक प्लेट है इसका। तो कुछ वैसे ये होता नहीं है, यूज़ होता है बैकग्राउंड में लगाने के काम आता है सपोर्टिंग के लिए। और ये जो मिलता है ये RGB LED लाइट में लगाने के काम आता है, उसमें यूज़ होता है। और नॉर्मली ये एडजस्ट फैन दिया हुआ है, आई थिंक ये फ्रंट में यूज़ होगा, डिपेंड करता है आपके कैबिनेट के ऊपर किस टाइप का कैबिनेट है और कहाँ पे आप लगाओगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। अभी देख लेते हैं मदरबोर्ड किस टाइप से ये दिया हुआ है पैकिंग। ये है जबरदस्त लुक है मदरबोर्ड का। जिस हिसाब से इसके प्राइस वगैरह है उस हिसाब से देखने में ये मदरबोर्ड तो बहुत ही सुपर है। अभी परफॉर्मेंस वगैरह भी बहुत जबरदस्त होने वाला है इसका। ये मल्टी ग्राफिक सपोर्टेड मदरबोर्ड है जो कि ASUS ने लेटेस्ट अपडेट किया हुआ है और मदरबोर्ड रिलीज़ किया हुआ है। वर्क स्टेशन बोल सकते हो इसको, एक मदरबोर्ड हैवी मदरबोर्ड है जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे। ये सारी चीज़ें इसमें देखने को आपको मिलती हैं। रैम की बात करें अगर जो, तो इसमें रैम आप 256 GB तक सपोर्ट करेगा ये मदरबोर्ड, जो एक हैवी मदरबोर्ड बोल सकते हो आप। इसको गेमिंग मशीन के लिए यूज़ कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। एक हैवी मशीन में ये मदरबोर्ड काम आता है। तो यहाँ पे ये मदरबोर्ड अगर जो गूगल आप करोगे, गूगल में स्टार रेटिंग इसकी बात करें तो 5 में से इसको 4.9 मिले हुए हैं स्टार। और वेट की बात करें तो 1 किलो
470 ग्राम का मदरबोर्ड है ये, सो एक हैवी मदरबोर्ड है। तो ये सारी चीज़ें इस बॉक्स में मिली थी जो हमने आपको दिखाया हुआ है। सो अगर जो पूरी डिटेल्स में इसकी जानकारी आपको चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। सो अभी आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।